महारहस्य वाले मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी तो क्या हुआ? मोदी ने जिस मंदिर में पूजा की उसके सात दरवाजों के पीछे क्या है? दुनिया के सबसे अमीर और रहस्यमय मंदिर में मोदी ने क्या क्या देखा? दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर वो मंदिर जिसके रहस्यों की पहेली को आज तक दुनिया वाले सुलझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी जब उस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से भरे उन तहखानों की कहानी फिर याद आ गई जिनमें सदियों पुराने खजाने का हर रहस्य दफन है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था, जिस खजाने की कहानियां हैरत अंगेज हैं, जहां की महिमा सैकड़ों साल से हिंदुओं की जुबान पर है। केरल में तिरुवनंतपुरम के उसी पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दुनिया के सबसे अमीर मंदिर की दहलीज पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो क्या हुआ? कहते हैं कि उन तहखानों में इतना खजाना है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। उसी मंदिर में जाकर पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और उसमें कुछ इसी तरह के 6 तहखाने और इन्हीं तहखानों में खरबों रुपयों की दौलत, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये कोई कल्पना नहीं, कोई फसाना नहीं, ये पूरी हकीकत है। दुनिया के सबसे अमीर स्वामी पद्मनाभ मंदिर का रसूख जितना ज्यादा है, रहस्य उतना ही गहरा। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना, जिसके बारे में जानकर किसी के भी माथे पर बल पड़ जाए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के इस मंदिर में ऐसा क्या है जिसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया? आखिर इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर क्यों कहा जाता है? सोने की तरह चमकते इस गगनचुंबी मंदिर में इतना खजाना है कि जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं। मंदिर में इतना सोना है कि देखने वालों की आंखें चुधिया जाएं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अशर्फियां, सोने की मूर्तियां और भी न जाने क्या क्या। भगवान विष्णु का यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इस मंदिर में पीएम मोदी की भी गहरी आस्था है। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद मोदी यहां दर्शन करने आए थे और अब 2019 के चुनावी समर से पहले मोदी एक बार फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे। तो क्या 2019 के चुनाव से इस अकूत खजाने वाले मंदिर का कोई कनेक्शन है? कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाले हर भक्त को भगवान विष्णु का वरदान मिलता है, हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन मंदिर को लेकर और भी बहुत कुछ कहा जाता है। कहते हैं कि मंदिर का सातवां दरवाजा खोलने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अकूत खजाना छुपाए मंदिर के सातवें दरवाजे को कोई चाबी नहीं खोल सकती। इस दरवाजे को मंत्र से कोई सिद्ध पुरुष नहीं खोल सकता। कहते ये भी हैं कि अगर किसी और ने सातवां दरवाजा खोला तो प्रलय आ जाएगी। किस्से, कहानियां, किंवदंतियां कुछ भी हों, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के जिस सबसे अमीर मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे, उसी मंदिर के तहखानों में इतनी दौलत जमा है जो देश की तकदीर बदल सकती है।
इतना खजाना जिससे देश के हर जिले में मॉडर्न हॉस्पिटल बन सकता है। देश में 14,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज तैयार हो सकते हैं। इतनी दौलत कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ आबादी में बांट दी जाए तो हर शख्स के खाते में 20-20 हजार रुपए आ सकते हैं। इतना बड़ा खजाना जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की कुव्वत रखता है। सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रत्न, जेवरात, क्या नहीं है इस खजाने में। तस्वीरें ऐसी कि आंखें चुधिया जाए। और ये सारी मिल्कियत है दुनिया के सबसे अमीर हिंदुओं के आस्था के परम धाम केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आपने भी सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में इस तरह की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन देश के ऐतिहासिक मंदिरों जैसे बालाजी, तिरुपति, जगन्नाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों में जितनी दौलत मौजूद है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की समृद्ध विरासत का एहसास कराती है। लेकिन क्या पद्मनाभ स्वामी मंदिर में वाकई इतना खजाना है जो कई देशों की GDP से भी ज्यादा है, जो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकता है? क्या है दावे, क्या है हकीकत, आप भी देखिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का रहस्य जितना गहरा है, इससे जुड़ी की वदंतियां भी उतनी ही हैरान करने वाली है। कभी केरल के त्रावणकोर शासकों की संपत्ति रही ये मिल्कियत अकूत खजाने को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी विरासत, इतिहास और परंपरा को लेकर भी दुनिया भर में मशहूर है। माना जाता है कि मंदिर के तहखानों में 2,00,000 करोड़ से ज्यादा के हीरे जवाहरात मौजूद हैं। दुनिया के लिए सदियों तक रहस्य बना रहा पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ये खजाना कुछ साल पहले ही सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर के तहखाने खोले गए थे। 23 जून 2011 में कैग की निगरानी में 7 सदस्यों की समिति ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में दाखिल होकर तहखानों के दरवाजों को खोलने का काम शुरू किया। सबसे पहले 7 दरवाजों के नाम अंग्रेजी अल्फाबेट्स के मुताबिक A से G तक रखे गए। 31 जुलाई 2011 को कोर्ट के निर्देश पर सभी दरवाजों को खोल दिया गया। जैसे जैसे तहखानों के दरवाजे खुलते गए वैसे वैसे इस महारहस्यमयी खजाने के बारे में चर्चाएं तेज होती गई। खुलासा हुआ कि मंदिर के तहखाने में 3.5 फीट लंबी भगवान विष्णु की मूर्ति है। सोने से बनी इस मूर्ति में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। इतनी भव्य मूर्ति पहले किसी ने नहीं देखी थी। यहाँ भगवान विष्णु की 1 फीट की मूर्ति और भगवान कृष्ण की 5 किलो सोने की बनी मूर्ति भी। इसके साथ ही मंदिर के तहखानों में सोने की छड़ें और हीरे जवाहरात से भरे 70 बोरे और 7 बक्से, सोने का 18 फीट लंबा हार जो भगवान को चढ़ाया जाता था, 10 किलो सोने का एक नेकलेस, 1,000 सोने की जंजीरें, 2-2 किलो के सोने के 4 हार, 3 सोने और हीरे जड़ित मुकुट शामिल है। जब त्रावणकोर के शासकों ने, राजाओं ने इसे न केवल अपना कुल देवता माना इन्हें, बल्कि उन्होंने ये कहा त्रावणकोर के राजाओं ने कि जो भी संपत्ति इस राज्य की है वो सारी संपत्ति पद्मनाभ स्वामी की है, लिहाजा जितना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो थे वो सब पद्मनाभ स्वामी के चरणों में अर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर के तहखानों से इतने सोने के सिक्के मिले कि देखने वाले दंग रहे। इसमें 17 किलो सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के हैं, 16 किलो सोने के सिक्के त्रावणकोर साम्राज्य के टकसाल के बने हैं। इसके साथ ही 100 सिक्के नेपोलियन बोनापार्ट के वक्त के हैं। खास बात यह है कि मंदिर के 7 में से 6 तहखाने ही अब तक खोले जा चुके हैं जिनमें 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का खजाना अब तक मिल चुका है। लेकिन असली रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है और वो रहस्य है 7वें दरवाजे का। क्या 7वें दरवाजे के पीछे सबसे बड़ा खजाना मौजूद है? क्या मंदिर के तहखाने का 7वां दरवाजा शापित है? क्या इस दरवाजे को खोलने से प्रलय आ जाएगी?
2011 में जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह में खजाने के रहस्यों की खोज शुरू हुई तो 6 दरवाजे आसानी से खुल गए, लेकिन 7वें दरवाजे पर आते ही सर्वेक्षण करने वाली समिति के कदम ठिठक गए। मंदिर के 6 तहखानों में से ये 20 दरवाजा था और यही वो दरवाजा है जिसके पीछे इस अलौकिक मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। माना जाता है कि इस दरवाजे को सिर्फ कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो इसे खोल सके ऐसा कोई सिद्ध पुरुष पूरी धरती पर नहीं है। आखिर क्या है इस दरवाजे का रहस्य? क्या सचमुच इसके पीछे भगवान तक पहुंचने का रास्ता है? माना जाता है कि इस दरवाजे को सिर्फ मंत्रों से ही खोला जा सकता है, आधुनिक तकनीक के जरिए या जोर जबरदस्ती से दरवाजा खोलने पर पूरा मंदिर ध्वस्त हो सकता है, कहते हैं कि प्रलय तक आ सकती है। दरअसल ये दरवाजा स्टील से बना है, इस पर 2 सांपों की आकृति बनी है। एक और खास बात यह कि इस दरवाजे पर कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं लगा है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग बंधम या नाग पाशम मंत्रों से बंद किया गया होगा, लिहाजा इसे गरुड़ मंत्र के साफ और सटीक मंत्रोच्चार से ही खोला जा सकता है। जरा सी गलती होने पर मौत निश्चित मानी जाती है। मैं अंधविश्वास तो नहीं करता, संयोग भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने रिट पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ताले खोले जाएं और देखा जाए कि वहां क्या है, ताला खोलने के जैसे कल सुबह ताला खुलेगा आज शाम उनकी मृत्यु हो गई, तो यह कहा गया कि इसके पहले भी यह हुआ है कि जिसने भी यह ताला खोलने की कोशिश की है उसकी मृत्यु हुई है। बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो मंदिर की इस गुत्थी को सुलझा सके। हालांकि पहले भी कई साधुओं ने मंत्रों के सहारे इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब इसके पीछे खजाना है या नहीं ये कोई नहीं जानता। फिलहाल तो ये दरवाजा इस मंदिर की सबसे अबूझ पहेली बना हुआ है। उसका विश्वास है उसमें सांप है, उसी तरह कई तरह का, क्योंकि एक प्राचीन मंदिर है, लोगों के अंदर ये भी खोलने के लिए पहले डरते थे जो बाकी खजाना भी, लेकिन अब भी उसका अंदर प्रवेश के लिए काफी मुश्किल रास्ता बता रहे थे। लोगों के ऊपर अब भी आस्था बहुत है उस मंदिर के ऊपर, इस वजह से भी नहीं खोल पाए। लेकिन ये कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, किस्से हैं, जो भी हैं, लेकिन कुछ तो है जिससे इस दरवाजे को लेकर डर बना है। इसके बारे में एक और कहानी बताई जाती है। माना जाता है कि इस दरवाजे को तहखाने के बाकी 6 दरवाजों की सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था और इसकी वजह है इसके पीछे पानी की आती हुई आवाज, जिसे देखते हुए ये अंदेशा लगाया जाता है कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो पूरे गर्भगृह में पानी भर सकता है। इतना ही नहीं, पूरा मंदिर गिर सकता है। इतिहासकारों का कहना है कि इस तरह के निर्माण विदेशी लुटेरों से खजाने को बचाने के लिए किए जाते होंगे, यानी कोई हमला कर मंदिर को लूटने की कोशिश करे तो 7वें दरवाजे को खोलकर पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। तमिल और केरल का वास्तुकला से मिली जुली एक वास्तुकला है। कई भी तंजावुर और श्रीरंगम जैसा जो तमिल वास्तुकला का काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि तमिलनाडु के करीब है, तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु से करीब है, और पहले ये चोल का और पांड्य राजाओं का जो वास्तुकला है उसी का एक असर है। अब करीब 1 सदी पहले जब केरल में अकाल के हालात बने थे उस वक्त भी लोगों की मदद के लिए मंदिर का 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन दरवाजे के पीछे समुद्र की तेज लहरों की आवाज से ये विचार छोड़ दिया गया। तब माना गया था कि कहीं न कहीं इस खजाने का अरब सागर से कोई कनेक्शन हो सकता है। पिछले 700 वर्षों में इस मंदिर की जो वास्तु है वो बढ़ता चला गया और आज जो इस भव्यतम रूप में देखते हैं ये 17वीं शताब्दी में आया जब त्रावणकोर के राजाओं ने इसको अपने स्वामी कुल मान लिया। मंदिर प्रशासन इस तहखाने के 7वें दरवाजे को खोले जाने का लगातार विरोध करता रहा है
और इसके पीछे वो किसी अनहोनी की आशंका भी जता रहा है। लेकिन माना जाता है कि इस दरवाजे के पीछे सबसे बड़ा खजाना मौजूद हो सकता है, लेकिन आज तक इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से मंदिर के 6 तहखानों में अकूत दौलत का पता चला, उससे कई सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मंदिर के तहखानों में इतनी दौलत कहां से आई। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, हालांकि कहीं कहीं मंदिर के 16वीं शताब्दी के होने का भी जिक्र है। लेकिन यह साफ है कि 1750 में त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाकों को जीतकर अपनी दौलत बढ़ाई। खजाने में मिली सोने की अशर्फियों और रत्नों से यह भी पता चलता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाल के समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा किया था। यूरोपीय लोग मसालों, खासकर काली मिर्च के लिए भारत आते थे। त्रावणकोर ने इस कारोबार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और इसी कारोबार से जमा दौलत को मंदिर के तहखानों की मोटी दीवारों के पीछे रखवा दिया। जो उनका जो मार्तंड वर्मा ने जो उसका जीर्णोद्धार किया था, उसी टाइम काफ़ी गुप्त 5-6 गुप्त कमरा है उसमें, उसी में जो राजाओं को उन्होंने के ऊपर आक्रमण किया था और दूसरे राजाओं से उनको गिफ्ट मिला था, ये सब मंदिर के अंदर एक उसका जो सेफ्टी पर्पस में, क्योंकि बाकी हमेशा पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश इस सारे लोगों का अतिक्रमण हुआ था, लेकिन मंदिर एक सेफ जगह ये राजा ने एक फोरकास्ट जैसे किया था, इसलिए सेफ्टी के रूप में इतना काफ़ी खजाना। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान हमेशा विदेशी हमलावरों और लुटेरों के निशाने पर रहा। पहले मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर लूटपाट की और फिर अंग्रेज लूटते रहे, तो क्या विदेशी लुटेरों की नजर पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर नहीं पड़ी? इस मंदिर को लूटा नहीं, लेकिन बाकी अगर राजमहल में रहेगा तो लूटने का संभावना है। इस वजह से किसी को पता नहीं इसके अंदर इतना खजाना है, इसलिए काफी दूरदर्शिता दिखाकर ही राजाओं ने मंदिर के अंदर ये सब रखा था खजाना। सिर्फ राजाओं को ही पता है इसके अंदर सब रखा है। अगर राजमहल में रखेगा तो लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर की जो आस्था की वजह से और इस तरह कुछ कहानी है खुलेगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इस ये भी एक कारण होगा। इस वजह से लोग उसी को ध्यान भी नहीं दिया था। पद्मनाभ मंदिर के खजाने और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैली थी और आक्रमणकारी इस पर भी कब्जा करना चाहते थे। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे की कोशिश भी की, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये आलिशान मंदिर लुटेरों के हमलों से तो बचा रहा, लेकिन करीब 5 साल पहले मंदिर में 776 किलो वजन के सोने के बर्तनों का गायब होना सुर्खियों में रहा। गायब हुए बर्तनों की कीमत करीब 186 करोड़ बताई गई थी। उस दौरान शक जताया गया था कि मंदिर से सोने के बर्तन चोरी किए जा रहे हैं। दरअसल यहां 1988 सोने के बर्तनों में से 397 बर्तन ही बचे हैं। इसके अलावा 2017 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मूर्ति के मस्तक पर लगे 8 बेशकीमती हीरे गायब होने की बात भी सामने आई थी। खास बात यह है कि मंदिर में हिंदुओं को जाने की ही इजाजत है। पद्मनाभ मंदिर के दर्शन के लिए ड्रेस कोड होना जरूरी है। पुरुष सफेद धोती पहनकर और महिलाएं साड़ी पहनकर ही मंदिर में जा सकती हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में वैष्णव संप्रदाय की बहुत आस्था है। रोजाना मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सदियां बीतने के बाद भी इस मंदिर के रहस्यों को आज तक कोई नहीं जान पाया। इसे आस्था कहें, विश्वास कहें या फिर कुछ और, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर पद्मनाभ मंदिर का यह अकूत खजाना अभी भी एक पहेली बना हुआ है। इस पहेली को मंदिर को बनाने वाले त्रावणकोर राजाओं के वंशज ही सुलझा सकते थे, लेकिन साल 1991 में त्रावणकोर के आखिरी राजा बलराम वर्मा की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की इजाजत से इनकार कर चुका है, यानी फिलहाल पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए दिव्य नक्षत्र में प्रयागराज कुंभ में कैसी अलौकिक और अकल्पनीय आस्था नजर आई।